भाजपा हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सोनीपत सांसद रमेश चंद कौशिक, भाजपा उपाध्यक्ष कविता चौधरी, भाजपा नेता मोहन लाल बडौली, युवा भाजपा नेता पुनीत राय, नेता देवेंद्र कदियान मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से कहा कि हरियाणा और देश में भाजपा की शक्ति बढ़ रही है, जनता का भाजपा पर विश्वास है, आशीर्वाद है। हरियाणा में जो जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, जिसकी भाजपा ने कल्पना भी नहीं की थी, जिस तरह से हरियाणा में जो चुनाव लड़ने की होड़ जनता में लगी हुई है, जिससे साफ है कि 75 भाजपा पार करेगी और एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में आएंगे और वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। 75 पार कैसे लाना है उसकी बातचीत कार्यकर्ताओं के साथ साझा की है। हमारा संगठन, हमारे देश का वातावरण, प्रदेश का वातावरण, जिस प्रकार से हमने 10 की 10 सीटें जीती हैं, इस जोश और खरोश के साथ में, हमारा उत्साह के साथ, हमें ओवर कॉन्फिडेंस ना होके बल्कि ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। मेहनत के बगैर कोई रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए मेहनत पूरी करेंगे। मेहनत कैसे करनी है ये हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात साझा की है और वातावरण को बुनाने का काम कार्यकर्ता कैसे करेंगे ये बात साझा की है, इससे हम 75 पार। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के पार्टी के प्रभारी माननीय अनिल जैन जी ने जो बैठक ली है, उसमें सभी को बूथ किस प्रकार से मजबूत होता है और बूथ के ऊपर जो कार्य करना है, जितने भी सामाजिक संगठन है, कोई खिलाड़ी है, कोई व्यापारी है, कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, जो बूथ के ऊपर की वोटर होते हैं, जिसके पल्ले में वोट होती है, जिसके पल्ले में वोट हैं, उन सब से हमने संपर्क करना है और अपने बूथ को जीतने के लिए मजबूत बनाना है। और जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा 8 तारीख को संपन्न होगी रोहतक के अंदर, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उसमें उन सब लोगों को जाना है जो तकरीबन एक बूथ के ऊपर 15 से 20 लोग हमारे बनते हैं पन्ना प्रमुख। इस प्रकार से हमारे विधानसभा वाइज वो संख्या करीब पूरे हरियाणा प्रदेश की 3 लाख बनने वाली है, वो सारी रोहतक में पहुंचेगी और बड़े गर्मजोशी के साथ, बड़े जन सैलाब के साथ मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, सभी पन्ना प्रमुख अपने पन्ना को हाथ में लेके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे, जो एक अलग प्रकार का देश में पहला नज़ारा आप सब पत्रकार भाइयों को, मीडिया कर्मियों को देखने को मिलेगा। ये 3 लाख लोग अपने शपथ पत्र, जो अपने मेरा पन्ना सबसे चौकन्ना, इस शपथ पत्र के साथ हम प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।